press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। पिछले वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाए थे, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग कॉस इनवर्स -1/√2 को हम लोग थीटा मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिखिए कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। कॉस इनवर्स -1/√2 को हम थीटा मान लिए, इसलिए -1/√2 बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा सजाएंगे, कॉस थीटा को पहले लिखेंगे और -1/√2 को बाद में लिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कॉस का मान 1/√2 कहाँ होता है? तो कॉस का मान 1/√2 π/4 पे होता है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस π/4, है ना। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस π/4 को हम लोग लिखेंगे कॉस π - π/4, कॉस π - π/4, क्योंकि कॉस π - थीटा बराबर रिजल्ट होता है माइनस कॉस थीटा। उसी कंसेप्ट से इस माइनस कॉस थीटा को कॉस π - थीटा के फॉर्म में चेंज किया गया है ना, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, यहाँ एलसीएम लीजिएगा, 4π में से π जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, लिखेंगे कॉस 3π/4। इसलिए यहाँ पे थीटा का मान निकलेगा थीटा बराबर 3π/4। हम लोग थीटा किसको माने हैं? तो थीटा माने हैं कॉस इनवर्स -1/√2 को, तो लिखेंगे नाउ कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू 3π/4। यदि ये वीडियोज आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपके पास पहुंचते चले। थैंक यू।